दोस्तों अन्नगासेओ, आप सभी बीटीएस से मिलना तो चाहते हैं, लेकिन बीटीएस से मिलने का सबसे बेस्ट तरीका है उनकी फैन मीटिंग्स में जाना। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें बीटीएस की फैन मीटिंग्स में ले जा सकते हैं या फिर नहीं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बीटीएस की फैन मीटिंग्स में जाने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये सभी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि दो तरह की मीटिंग्स होती हैं और बीटीएस हमेशा क्लोज मीटिंग्स लेते हैं, यानी कोई ना कोई ऐसी जगह बताई जाती है जहाँ से आपको बीटीएस की एल्बम्स को खरीदना होता है और वहाँ पर आपको कोई ना कोई नंबर दिया जाता है। उसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाता है और अगर जितने भी स्लॉट्स हैं उसमें से आपके एल्बम का नंबर आता है तो आपको बीटीएस की फैन मीटिंग्स में जाने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये एक नॉर्मल तरीका है जिससे बीटीएस की मैक्सिमम फैन मीटिंग्स परफॉर्म करी जाती हैं, जिसके लिए जो यूजुअली फैन मीटिंग्स होती हैं अभी तक कोरिया और जापान और ऐसी ही कंट्रीज में हुई हैं, जिसकी वजह से जहाँ से भी बताया जाता है आपको वहीं से एल्बम लेनी पड़ती है और तभी आप फैन मीटिंग के लकी ड्रॉ में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका नाम उस लकी ड्रॉ में आ जाता है तो क्या क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे खास चीज़ है अपनी आईडी या फिर पासपोर्ट। तो दोस्तों, अगर आप एक इंटरनेशनल फ़ैन हैं तो आपके पास अपनी आईडी, अपने प्रूफ्स हमेशा होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बीटीएस की फ़ैन मीटिंग का टिकट जीत भी गए हैं तो भी वहां पर एंट्री करने के लिए आपको अपनी आईडी और पासपोर्ट दिखाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ एक फ़ोन नंबर जो आपने वहां पर रजिस्टर कराया है और अपनी एंट्री स्लिप, उस पेपर को आप गलती से भी नहीं खो सकते, क्योंकि अगर आपने उसे खो दिया तो आप भले ही जीते हों, आपने एल्बम खरीदी हो, लेकिन आप फैन मीटिंग में नहीं जा सकते। इसके साथ साथ जब भी आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, वो चेक करते हैं और फिर आपको आपका सीट नंबर बताते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप बीटीएस पे अपनी जिस भी एल्बम पे साइन करवाना चाहते हैं उस एल्बम को ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि फ़ैन मीटिंग्स में एल्बम नहीं मिलती हैं, इसीलिए आपको अपनी एल्बम लेकर जानी ही पड़ेगी। दोस्तों, साथ ही साथ आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस पेज पर किस मेंबर का साइन चाहते हैं, क्योंकि उनकी एल्बम्स में काफ़ी सारे पेज होते हैं। दोस्तों, सबसे आसान तरीका ये है कि आप जिस पेज पर भी जिस मेंबर का साइन करवाना चाहते हैं वहाँ पर एक स्टिकी नोट ज़रूर चिपका दीजिए, ताकि बंद एल्बम में भी आसानी से उन्हें बाहर निकलता हुआ अपना नेम दिख जाए और वो डायरेक्टली उस पेज को खोलकर वहाँ पर साइन कर सके। क्योंकि दोस्तों, बीटीएस के पास फैन मीटिंग में इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी पूरी एल्बम को पलट कर अपना नाम ढूंढे या फिर आप उन्हें बता पाए, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे आप जल्दी से बीटीएस के मेंबर्स को उनके नाम का पेज दिखा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जिस भी पेज पर उनसे साइन करवाना चाहते हैं और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको पहले से ही वहां पर अपने सवालों को लिखकर रखना चाहिए, जैसे कि आपने जिस पेज पर जंगकुक की स्लिप लगाई है वहां पर आप कुछ और भी स्टिकी नोट्स लगाकर उनके लिए कोई मैसेज लिख सकते हैं और अपने नाम को भी ज़रूर लिखें, ताकि उसे पढ़कर वो समझ जाएं कि उसे किस तरह से बोला जाएगा। दोस्तों, जिस भी पेज पर आप उनका साइन करवाना चाहते हैं उसे बहुत ही ध्यान से चुनें, क्योंकि दोस्तों, हर मेंबर आपकी एल्बम में सिर्फ एक ही बार साइन करेंगे और जो पेज आप उनके सामने खोलेंगे वो वहीं पर साइन कर देंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि वो हर पेज को देखें और फिर डिसाइड करें कि कहाँ पर साइन करना है। दोस्तों, इसके साथ साथ आप बीटीएस के मेंबर्स के लिए गिफ्ट भी ले जा सकते हैं, लेटर्स भी ले जा सकते हैं और फूड भी ले जा सकते हैं अगर वो ओपन नहीं है और अनपैक्ड नहीं है। तो आपने बहुत ही सारी फैन मीटिंग्स की वीडियोस में देखा होगा कि बीटीएस की जो आर्मी होती है वो उनके लिए फूड भी ले जाती है। दोस्तों, अगर आप पूछें कि गिफ्ट में क्या, तो आप बीटीएस के लिए छोटे छोटे गिफ्ट लेके जा सकते हैं, जैसे कि आप खुद बना सकते हैं या फिर हेयर बैंड ले जा सकते हैं, ब्रेसलेट ले जा सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी बीटीएस की फ़ैन मीटिंग में जाएं या फिर अगर इंडिया में उनकी फ़ैन मीटिंग हो तो उससे पहले उनके फ़ैन मीटिंग्स के रूल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हर बार वो चेंज होते रहते हैं और गिफ्ट को लेकर नए नए रूल्स आते रहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके नए रूल्स में ऐसा कह दिया जाए कि गिफ्ट अलाउड नहीं है। तो आप रूल्स को हमेशा बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आपने रूल ब्रेक किया तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग कैमरे भी लेके जाते हैं ताकि वो फैन साइन इवेंट्स को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर पाएं,
लेकिन फिर से मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगी कि आप रूल्स को हमेशा पहले पढ़ें, क्योंकि बहुत ही सारी फैन साइट्स की वजह से लोगों ने बीटीएस के फैन मीटिंग्स में कैमरे ले जाने भी अलाउड करने बंद कर दिए हैं। हालांकि आप फोन से उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बीटीएस की फैन मीटिंग्स में आप उनके साथ फोटोज नहीं खिंचवा सकते, और जब आप बीटीएस के मेंबर से मिलने जाए तो भी अपना फोन साथ में नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं तो अपने साथ बैठी आर्मी को आप अपना फोन जरूर दे सकते हैं, और अपने सामान का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, आई होप कि आपको इससे बहुत ही अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा कि बीटीएस की फैन मीटिंग्स में आपको क्या क्या ले जाना चाहिए, और बाकी तो जब भी आप उनकी फैन मीटिंग्स में जाएं या फिर इंडिया में जो भी फैन मीटिंग्स होगी तो उसके रूल मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।